गुनगुन स्कूल और यहाँ पे ना मस्त कलर खेला जा रहा है बच्चों ने। देखो ये जो है पूरी बाइक के ऊपर कील चलाई है। ये देखो हरदोई के लौंडो ने हरदोई का नाम ही गायब कर दिया। टूट जाएगा भाई। आवी ने जो साइबर वहां कर लिया है, रोने लगी है। ये देखिए हमारी जो दीदी जी हैं तैयार हो रही हैं स्कूल के लिए। इतनी बड़ी हो गई हैं, लेकिन इनको ना अपनी चोटी ओटी बांधना खुद नहीं आता है, नानी से बंधवा रही हैं। तुम चोटी ओटी क्यों नहीं बांधती हो अपनी, हैं? इधर बताओ। डेली मतलब नानी मम्मी भाभी बांधती हैं, खुद बांधती ही नहीं है। अब बड़ी हो गई हैं, अब चोटी ओटी बांधना सीख लीजिए अपनी। गुनगुन दीदी अंदर तैयार हो रही हैं। फिलहाल यहाँ हम सबका खाना आ चुका है। खाने में आज बहुत सारी चीजें हैं, राजमा दाल रोटी सूखी सब्जी, और हम सागर दादा एंड बासु दादा खाने जा रहे हैं। तो मैं ना खाना खा चुका हूँ, मैंने व्लॉग में 99% एडिट कर लिया है, बस 1% बचा हुआ है, टेक्स्टिंग करनी बची हुई है, लेकिन गुनगुन की छुट्टी हो चुकी है। तो चलो चलते हैं गुनगुन दीदी को लेने के लिए। और यार मेरे को गुनगुन बता के गई थी कि आज ना उसके स्कूल में कलर खेला जाएगा, बिकॉज आज ना गुनगुन का लास्ट एग्जाम है और इसके बाद अब सीधे होली होगी। तो बच्चे जो होते हैं ना आखिरी दिन जो स्कूल का होता है होली से पहले उस दिन कलर खेलते हैं। तो गुनगुन के स्कूल में भयंकर कलर खेला गया होगा, मेरे कपड़े ना गंदे हो जाए, मैं व्हाइट कलर का पहना हुआ हूँ। फिलहाल स्कूल चल के देखते हैं क्या सीन है। अब बताओ इतनी ज्यादा धूल आती है कि कवर पड़ा होने के बाद भी गाड़ी के ऊपर धूल आ ही जाती है। तो यार रेश गुनगुन स्कूल और यहाँ पे ना मस्त कलर खेला जा रहा है, गुनगुन को ढूंढते हैं। चलो फाइनली यार हमें गुनगुन दीदी मिल चुकी हैं। और तुम तो कह रही थी बेटा मेरे यहाँ स्कूल में कलर खेला जाएगा, पर तुम्हारे तो कुछ कलर अलर लगा नहीं, तुम्हारे नहीं लगा? हमारे मैम ने बोला था जिसको भी कलर छू गया उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और नाम कटवा देंगे। अच्छा तो कट भी चुका है बहुत बच्चों का। सही बात, डर भय में तुम्हारे रंग नहीं लगा, वरना मैं तो देख रहा हूँ जितने बच्चे जा रहे हैं बहुत लोगों के कलर लगा हुआ है यार। गुनगुन दीदी को हमने घर छोड़ दिया, व्लॉग पूरा एडिट करके अपलोड कर दिया। फिलहाल टाइम हो रहा है 4:30, और अब हम थोड़ा सा जा रहे हैं घूमी घूमी करने के लिए। सबसे पहले तो जा रहा हूँ मैं मोटू के यहाँ, मोटू से थोड़ा मिलूंगा, बहुत दिन हो गए मोटू से नहीं मिला। और आज ना गाइस मैंने वही वाले शूज पहने हैं जो कि अभी हम कल परसों लाए थे। तो ये देखिए पैर में ना कुछ इस टाइप के लग रहे हैं, बताइएगा कैसे लग रहे हैं। बस मैं जा रहा हूँ, और गली में ना बच्चों ने बहुत ही बुरी चीज़ करी है बाइक के साथ। आज ना मैं गुनगुन को लेके आया था तो बाइक मैंने यहीं खड़ी कर दी थी, तो बच्चों ने देखो ये जो है पूरी बाइक के ऊपर कील चलाई है, यहाँ पे निशान पड़ गए हैं, और ये देखो ये यहाँ पे कील चलाई निशान पड़ गए। मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना इसको देख के, मतलब मैं इतनी इसको संभाल के रखता हूँ, मैंने इसको तभी रोड पे नहीं खड़ी करी जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, मैंने यहाँ गली में खड़ी करी। तब भी बताओ ये क्या है, किसने किया है ये सब? हैं वो आनंद आया, आनंद तो आया, ये किया है किसने? तुम्हें आनंद आया होगा, हमें तो बहुत तेज गुस्सा, पारा 102 चल रहा है मेरा। इनकी दीदी जी ने किया है, छोटी वाली जो बहन है रमसा वही किल चला रही थी। अब मेरा सच बता रहा, इतना ज्यादा इसमें दिमाग खराब हुआ जा रहा है ना। सही। और तुम हंस क्या रहे हो, अभी उठा के पटक देंगे, हम मजाक नहीं कर रहे हैं कतई। ऐसे कैसे पटक, तुमने ये हाल क्या है, तुम्हें हंसी कहाँ आ रही? चलो थोड़ा सा दुख व्यक्त करो, लेकिन वो हंस रहे हैं अजीब ही है, तुम्हारा हंस क्यों रहा है, तुम्हें हंसी क्यों आ रही थी ये बताओ। कितने शौक से बता रहा आराध्या और रमसा ने दोनों ने मिलकर खरोची, आन दो तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी में हमने अगर पथरा ना चला मेरा नाम भी तनिष्क मिश्रा नहीं। रेस्ट मोटू हाउस, और हमारा मोटा भाई भी आ चुका है। और भाई आपके दर्शन तो अब दिव्य दर्शन है, बहुत ही कम आपके दर्शन होते हैं, जैसे नहीं ईद का चांद, अब तो आप ईद का चांद हो चुके हैं। सब बढ़िया, सब बढ़िया, आपसे नहीं पूछे। अच्छा अच्छा, बच्चों ने बाइक पे स्क्रैच मार दिए, ये देखो कीलों से बच्चों ने खरोदी है बाइक को, अभी खरोदा है ऐसे ऐसे करके। हरकतें अपनी सुधार लो। हम अपनी क्या हरकत सुधार लें इसमें? अच्छा बच्चे सुधार लें। तो मोटो के आने के बाद हम अभी आए थे यामा के शोरूम, बिकॉज बाइक की सेकंड सर्विसिंग करानी थी, तो सोचा था लॉन्च करा देंगे, लेकिन आज नहीं हो पाएगी, बिकॉज आज जितने करते हैं सर्विसिंग वो चले गए हैं। और भैया बता रहे हैं अभी आपकी सेकंड सर्विसिंग में ना 5 दिन का टाइम है, तो सोच रहे हैं 5 दिन खूब अच्छे से चला लें गाड़ी, फिर कराएं, बाकी देखो घर चल के सागर से पूछते हैं, जो बताएंगे वही करेंगे। तो सर्विसिंग तो हुई नहीं, उसके बाद ना हम यहाँ हरदोई के नए वाले पार्क में आ गए, तो चलो आपको एक चीज दिखाते हैं। बात ये थी कि हमारे हरदोई का नाम ना बड़ा सा मतलब ऊट पटांग टाइप का था, लोग उसे ढंग से ले नहीं पाते थे, हरदोई थक जाता था इंसान, लेकिन हरदोई के लौंडो ने हरदोई का नाम ही गायब कर दिया। अब हरदोई का नाम हो रखा है होई, दा गायब रा गायब, सीधे होई, आज से हरदोई को सब लोग होई नाम से जानते हैं। और मेन बात ये, कुछ महान लोग इतने हैं कि ये टूटा पड़ा है तब भी इसके सामने फोटो खिंचा रहे हैं, भाई साहब बहुत लोग फोटो खिंचा रहे हैं, टूटा पड़ा तब भी फोटो खिंचा रहे हैं, मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? ये भाई तुम भी फोटो खींच रहे क्या? क्या करे, हरदोई की तो नहीं खींची, होई की। हाँ वाकई हम लोग ने तब नहीं खींची थी जब ये मतलब पूरा बना था। तो गाइज अब ये जिद कर रहे हैं कि हमें बाइक चलानी है,
तभी हम अपनी बाइक नहीं दे रहे। लो भाई, थैंक यू भाई। अगर आप मुझे बाइक की चाबी नहीं देते तो मैं बाइक के पीछे पीछे रोता रोता मर जाता। इन्हें बाइक सिखाई हम ही ने और आज ये हम ही को बताते हैं। ये देखिए, अब देखते हैं उठा पाते हैं, उठाई नहीं जा रही इनसे बाइक। इसे बकवास करा रहा है, डंकी कोई बात नहीं होगी, ये काली बात होगी, बेफालतू की चीज है। बेफालतू की चीज क्या मांग रहे थे हमसे, हमें बाइक दे दो, बाइक दे दो। गाड़ी तुम्हारा आईफोन 13 प्रो और क्या। तुमने आज बोला नहीं कि भाई तुम्हारा ये आईफोन 13 प्रो बोलना जरूरी था। शो ऑफ करने की आदत तुम्हारी जाएगी नहीं तो क्या करा जाए भाई। चला लेते हैं आप। अरे यार फट रही हमारी। अरे भाई गाड़ी फट गई। अरे 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 तो हम लोग आ चुके हैं अपनी मंजिल पे। गार्डन चले मंजिल के, आज यहाँ भीड़ बहुत है, चलो अंदर चल के देखते हैं इतनी भीड़ क्यों है, आज क्या चीज है जो यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है। एक बात बताओ मोटू, हम लोग यहाँ कंपनी गार्डन करने के आए थे हम लोग। हाँ गए शुरू होते ही खत्म। वही तो हरदे के पार कैसे शुरू होते खत्म हो गए, मतलब हम लोग बेफालतू में यहाँ गए। यहाँ आके हम लोगों ने सोचा यार यहाँ आए क्यों हम लोग, लेकिन फिर बाद में रियलाइज किया कोई काम ही नहीं था, ऐसे आ गए थे। तो चलो अब चलते हैं कहीं और, गलती से आ गए वही तो यहाँ गलती से आ गए हम लोग। मोटू भैया के साथ हम कंपनी गार्डन निकल गए थे, लेकिन उसके बाद ना हम शूज लेने के लिए गए थे। अभी मैंने शूज लिए थे, उसके बाद मोटू को भी शूज लेने थे। तो ये देखो ये शूज लेके आए, कितने ज्यादा मस्त लग रहे हैं यार। अगर सही बता रहा, अगर मेरे को तब ये देखे होते ना तब मैं ये ले लेता, बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल और बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। क्या कह रहे हैं, नियत यत कुछ नहीं लगा रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, बहुत एक नंबर। चलो भैया, मोटू भैया ने भी शूज ले लिए हैं, अब चलो चलते हैं घर। यार यहाँ भी व्लॉग शूट करते हैं, वहाँ पे पीपी पीपी भी जरूरी है, हर जगह पीपी पीपी पीपी। घर जा ही रहता है, सोचा लो गुनगुन दीदी के लिए मोमोज वोमोज ले लें, तो सबसे पहले यहाँ पे मोमोज फ्रेंच फ्राइज घर में सबके लिए ले रहा है। फाइनली गाइस रीच्ड होम, ये लीजिए गुनगुन दीदी, जाइए उड़ाइए जाके, सबके लिए है। भाभी जी के लिए बॉयल ऑयल है, मोमोज फ्रेंच फ्राइज। भाभी ये लीजिए मोमोज फ्रेंच फ्राइज, आप सबके लिए लाए हैं, खाली लो। घर में जो है मैक्रोनी बनी रखी है हमारे, शाबाश। तो भैया जी अभी का सीन कुछ ऐसा है, टाइम हो रहा है रात का 8 और मैं ना जा रहा हूँ अद्दू के यहाँ व्हाइटगंज, बिकॉज आज ना वहाँ पे एक पूजा है जो कि वही 3 घंटे तक चलती है, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा है। और व्लॉग बीच में बिल्कुल नहीं शूट कर पाया बिकॉज बहुत ही ज्यादा भसड़ मची हुई थी, अंधेरा हो गया। हाँ तो भैया जी मैं ये बोल रहा था कि व्लॉग में सदा से नहीं शूट कर पाया बिकॉज घर में बहुत ही ज्यादा भसड़ मची हुई थी, सब लोग ना तैयार होकर यहाँ व्हाइटगंज के लिए निकल रहे थे, एंड सागर दादा के एक फ्रेंड की एनिवर्सरी थी तो उनके लिए भी गिफ्ट विफ्ट लेना था, तो उसके चक्कर में फंसा रहा। बस अभी सागर दादा गए हैं अपने फ्रेंड की एनिवर्सरी में और मैं जा रहा हूँ व्हाइटगंज। व्हाइटगंज में बासु आदा, बड़ी भाभी मतलब कि मामी जी, गुनगुन और मम्मी वहीं पे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। और हाँ यार मेरे को याद आ गया, जो घर में पूजा हो रही है उसको बोलते हैं सुंदरकांड, तो वही हो रहा है। गली में पहुंच गया, सुंदरकांड की आवाज भी आने लगी जो हो रहा है। तो यार घर के अंदर पहुंच चुके हैं और सामने देखो वहाँ पे जो है बजरंग बली जी पूरे मतलब कि उनका मंदिर टाइप का बनाया गया है और मस्ती पूजा हो रही है। लो यद्दू मेरे पास आ गए हैं। तो बाहर सुंदरकांड हो रहा है एंड इस समय ना यहाँ हम रूम में आ गए सभी बच्चों के साथ, यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं अपना अद्दू है। और ये अद्दू ना हमारे दादा का लड़का है, ये जो तो है ना ये है हमारी दीदी की लड़की, ये ना लखनऊ में रहती। क्या नाम है आपका? और आपका क्या नाम है? परी। ये दोनों ना बड़ी क्यूट लग रही है मेरे को, मैंने ना इनको लास्ट टाइम देखा था तब ये बहुत ही छोटी थी, बट अब तो दोनों काफी बड़ी बड़ी हो गई हैं। और यहाँ पे खरगोश भी है अपना छोटा, इसका क्या नाम था? बनी है ना? बनी है। हाँ भाई। और बनी क्या हालचाल? बनी लोटर रहा, बनी की आंखें देखो यार कितनी लाल लाल हैं। बाहर पूजा चल रही है और यहाँ कमरे में बच्चे जो हैं उपद्रव मचाए हुए हैं, इतने ज्यादा दौड़ दौड़ के खेल रहे हैं कि क्या होता है वो देखो, दोनों बहनें ही लड़े ले रही हैं। ये देखो अद्दू आराम से, तू शोर मत करो, बाहर पूजा हो रही है, बाहर पूजा हो रही है। अरे भैया शांत हो जाओ, अरे टूट जाएगा भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। अरे भाई साहब देखो देखो देखो, अरे 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 भैया यार यहाँ पर ना बच्चे बहुत ही ज्यादा उत्पात मचाए हैं, इसीलिए चलो मैं बाहर ही चलता हूँ। ये सुंदरकांड ना 7 बजे से थोड़ा सा पहले स्टार्ट हुआ था ना और मैं ना बहुत लेट में आया था, तो बस अब ना सुंदरकांड जो है समाप्त भी हो चुका है। फिलहाल तो यहाँ पे आरती हो रही है। भाई जो सुंदरकांड हो रहा था फाइनली वो समाप्त हो चुका है, यहाँ पे सबको प्रसाद भी बढ़ चुका है और अब बासुदा जी यहाँ बैठे हैं। बताइए क्या कह रहे हैं आप? भाई मेरा घर चलेगा, प्रसाद भी ले लिया बस, जैसे मैंने बोला बासुदा कुछ कहिए, बासुदा तुरंत फोटो खाने लग गया। तो अब ना घर में मतलब कि सारे लोग चले गए हैं, सिर्फ घर वाले लोग बचे। अच्छा अच्छा। और हाँ गाइस दीदी ना बहुत ही ज्यादा काम कर रही है, इन्होंने 101 रुपए दिए नहीं लिए है। अरे बस कर, हाँ अरे भाई ये बड़ा शोर करा। मैंने ना अभी इससे बोला है कि व्लॉगिंग तब नहीं करी जाती है जब शोर होता है, और ये जानबूझ के शोर कर रहा है जिससे मैं व्लॉगिंग ना कर पाऊँ। अरे अरे ये डालेंगे नहीं, सीन ही नहीं डालेंगे, ठीक है? अब शांत रहो तभी पड़ेगा व्लॉग तुम्हारा, वरना बिल्कुल नहीं आएगा। शांत
ठीक है डालेंगे नहीं। एक बार आप मुर्गा बन के दिखाइए सीन तो। हाँ मुर्गा बन के दिखाइए आप, आपका सीन आएगा। दिखाओ अच्छा मुर्गा बन के दिखाओ। अच्छा मुर्गा 1 2 3 4 गो। अब तो कतई नहीं आएगा, अब कुछ नहीं आएगा भाई। आप सब नहीं, आप सब, आप सब देखेंगे कि अद्दू कितना शैतान है। आप सब देखेंगे कि अद्दू कितना शैतान है, कितना शैतान बच्चा है। इसके क्लासमेट भी देखेंगे। वेरी गुड, और एक दो शॉट मार लो। अब अद्दू कुछ नहीं करेगा। हां मुझे प्यार करते हो? कुछ को लेकर ये फुटेज खाते हैं, वो तक जानता बहुत ज्यादा फुटेज खाते हो। तो आज खाना खाना हम सबका यहीं पे है। खाने में है छोले की सब्जी, रायता, मिक्स वेज और पूरी। चलिए चालू करिए। हम तो चालू कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा है। इस तभी मैं ज्यादा व्लॉग नहीं शूट कर पा रहा हूँ। फाइनली गाइस हम लोगों ने खाना पीना खा लिया और अब हम घर जा रहे हैं। ठीक है दुबई भाई, क्या क्या? हाँ ऑन है, ये देखो उसे शक होने लगा है कि व्लॉग बना भी रहे या नहीं बना रहे। मुझसे कह रहे थे फुटेज वाला, मैं कहता हूं फुटेज वाला भतीजा, ये मेरा फुटेज वाला भतीजा है। फाइनली गाइस रीच्ड होम और घर पे जो है हमारी भाभी जी भी आ चुकी है। वैसे तो नानी क्या थी आ गई, एंड इस डिब्बे की ना फाइनली अनबॉक्सिंग होने वाली है। इसकी कल तो हुई नहीं थी। क्या कहला है वैसे आप? चलो देखते हैं। गुनगुन दीदी कर रही है अनबॉक्सिंग। तो यार फाइनली यहाँ पे पूरा कर्टन खोल दिया गया, एंड बहुत ही ज्यादा सामान है। मैं तो मतलब कैसे गिनवा भी नहीं सकता। तो एक बार ऊपर ही से देख लो इतना ज्यादा सामान है, और भी थोड़ा बहुत है वो दूसरे बैग में है। वो जो भाई पूरा डिब्बा था वो तो हमने नीचे रख दिया है। एंड सागर दादा ने ना गाइस अभी दिया है भाभी को एक गिफ्ट, बिकॉज आज ना वुमेंस डे है। तो चलो देखते हैं इस गिफ्ट में क्या है। सो ये एक बॉक्स निकल के आया है, फोटो फ्रेम। मैंने पहले गेस कर लिया फोटो फ्रेम। इसकी फोटो निकालो तो पन्नी हटाओ फिर देखो क्या है। तो भाई ये है फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम में है बासु दादा, सागर दादा, भाभी और मामा, और इसमें लिखा भी हुआ है बहुत कुछ, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। तो इस फोटो फ्रेम की फोटो ना मैं डाल दूंगा, तो आप उसे रोक कर आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। जो भी इसमें लिखा, जो भी इसमें लिखा है ना वो सागर दादा ने खुद ही लिखा है। देखो भाभी ने जो है सागर दादा बाहर कर लिया है, रोने लगी है। फाइनली यार जो सागर दादा डिब्बा लाए थे उसकी अनबॉक्सिंग हो गई। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें थी, अगर मैं आपको एक एक करके दिखाता तो भैया पूरे 2-3 दिन लग जाते, ख़त्म नहीं होते। एंड सागर दादा ने बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट भी दिया भाभी को। फिलहाल तो यार बहुत जोरों की नींद आ रही है, अजीब टाइप की थकान टाइप की लग रही है। कुछ काम करते नहीं है तब भी आजकल जो है 2-3 दिन से थकान लगने लगती है। और फिलहाल मैं बस सोने जा ही रहा था, समझ लो आँख मेरी लग गई थी, लेकिन मैंने सोचा लाओ एंडिंग कर दूँ, बिकॉज मैं भूल जाता हूँ फिर अगले दिन करनी होती है। इसीलिए हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी ही कल हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। देख चलाए अभी स्टार्ट तक की नहीं करी, स्टार्ट यहाँ से होता भाई, पहले पासवर्ड डालना पड़ता है फिर स्टार्ट करनी होती है। ये बताना जरूरी था पासवर्ड डालना होता है। तो काट कर देना, क्या दिक्कत है, ये भी बोलना जरूरी था। बढ़ाई नहीं जा रही है देखिए।